इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर में RGS टूल के अंदर कुछ न्यू सीक्रेट चीट कोड ऐड हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको नहीं पता होंगे, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारे कोड बताने वाला हूँ दोस्तों, क्या फ्यूचर ऐड हुआ है RGS टूल के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फटाफट से मतलब फ़ोन निकाल लेना। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ मैं थोड़ा आप मतलब आगे आ जाता हूँ अपने घर के, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और RGS टूल जैसे ही मैं ओपन करके यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों, आप उसी तरीके से लिखे जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैं लिखता हूँ H1, जी हाँ दोस्तों थोड़ा और आगे आ जाते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है H1, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको एक न्यू बिल्डिंग देखने के लिए मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे आपको इसी तरीके से आप और भी कई सारी बिल्डिंग मतलब मंगा सकते हैं। पर कैसे दोस्तों, तो यहाँ पे फिर से आपको RGS टूल ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको लिखना है अब H2। जी हाँ दोस्तों, H2 लिखना है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और देखने के लिए मिल जाएगा, और आप इस घर को अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये घर दोस्तों, कहीं पे भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सेट करके दिखा देता हूँ ये घर को थोड़े अच्छे तरीके से, देखते हैं भाई कैसे सेट कर सकते हैं इसको हम घर को। तो थोड़ा मैं आ जाता हूँ पीछे। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे अपना ये घर हो चुका है फाइनली सेट। देख सकते हैं ये घर हो चुका है अपना सेट यहाँ दोस्तों, 20 सड़क पे। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको मतलब सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसको भी उठा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बस इसके नज़दीक जाना है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे ही इसके नज़दीक जाएंगे, आप इसको अपने हिसाब से कहीं पे भी हिला डुला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और नज़दीक आ चुका हूँ इसके, और अपने इस हाउस को थोड़ा पीछे लाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ थोड़ा पीछे दोस्तों। काफ़ी मेरे हिसाब से इसको काफ़ी ध्यान से करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आप भी इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये सेट हो चुका है, तो थोड़ा और पीछे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आपको यहाँ पे टैप कर देना। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं ये फाइनली अब हो चुका है अच्छे तरीके से सेट। देख सकते हैं दोनों अपने घर काफ़ी अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं बिल्डिंग। और यहाँ पे आपको इसी तरीके से एक और मंगा लेना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और यहाँ पर मंगा करके दिखा देता हूँ। तो फिर से RGS टूल ओपन करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ H3। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ H3 लिख देता हूँ फटाफट से H3, यहाँ जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पे मुझे एक और न्यू बिल्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इसको भी थोड़ा सेट करने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ध्यान से इसको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नज़दीक आ जाता हूँ अपने इस घर के, और देख सकते हैं दोस्तों जिस तरीके से मैं पीछे आते जा रहा हूँ, उसी तरीके से अपना ये घर भी पीछे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ पीछे, और इसको देखता हूँ भाई क्या मैं अच्छे तरीके से सेट कर पा रहा हूँ या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने इस घर के पास। अरे भाई चलो उड़ जा। तो दोस्तों ये तो थोड़ा अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है। तो अब फाइनली दोस्तों ये हिल रहा है अपना घर। तो यहाँ पर मैं लेकर के आ जाता हूँ अपने इस घर को, और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ सेट पे और क्लिक कर दिया है, और देख सकते हैं अपना ये घर भी का सेट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके का हमें देखने के लिए लग रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी हमें अच्छा देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। इसी तरीके से आप और भी मतलब यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर वो कैसे, तो आपको क्या करना है कि आपको फिर से RGS टूल ओपन कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से आप यहाँ 10 हाउस मंगा सकते हैं घर। जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग खुद की क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे सीधा 10 नंबर वाला ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा H10, और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल चुका है एक और न्यू बिल्डिंग। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ थोड़ा पीछे इसको लेकर के, और थोड़ा पीछे आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेट। तो फाइनली दोस्तों ये भी अपना सेट हो चुका है ये घर। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, आप इसे अपने तरीके से अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको मतलब इसे ये अपनी जगह से बार बार हिलेना, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, लिखना है मोड ऑफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको लिख देना है मोड ऑफ। जैसे ही आप यहाँ मोड ऑफ लिखेंगे, अब आप अपने इस घर के नेड़े भी जाएंगे तो ये नहीं हिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसको काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, मैंने तो आपको वैसे बता दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इसी तरीके से 1 से लेकर के 10 तक के बिल्डिंग मंगा सकते हैं।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि भाई हम गेम बैक कर दें और फिर भी ये ना कटे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे RGS टूल में आकर के लिखना है सेव डाटा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको लिख देना है सेव डाटा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आपको लिख कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेव डाटा लिख देंगे दोस्तों, तो ये आपका सेट हो जाएगा। आप गेम बैक करके भी वापस आएंगे तो भी ये आपके घर यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो दोस्तों जाइए और खेलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज अभी तक की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।